नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज जातीय जनगणना को लेकर अपनी बातों को रखा। वो कहना चाह रहे थे कि जल्द ही तमाम जितने दलों के लोग हैं उन सभी को साथ लेकर बैठेंगे और बिहार में फिर जातीय जनगणना कराई जाएगी। आपको बता दें, जातीय जनगणना को लेकर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव दो दफ़ा मुलाकात कर चुके हैं नीतीश कुमार से, बिहार विधानसभा के सत्र के दौरान ही तमाम विपक्षी विधायकों के साथ दो बार इस प्रस्ताव को सर्वसम्मति के साथ विधानमंडल से पारित भी किया जा चुका है। लेकिन नीतीश कुमार ने आज ऐसा क्या कहा, उसके बाद तेजस्वी यादव ने साफ साफ कह दिया अब लगता है पटना से दिल्ली तक मार्च करना पड़ेगा तमाम विपक्षी दलों को, वो भी पैदल मार्च। नीतीश कुमार को सुनिए, तेजस्वी यादव ने कैसे इशारों ही में काफ़ी कुछ ज़्यादा कह दिया है। अब क्या सत्ता पक्ष इसे सुनने के बाद जल्द फैसला ले पाएगी? नहीं, सेंटर के साथ आपको मालूम है ना कि प्रधानमंत्री जी के साथ तो सब पार्टी के लोग जा करके 10 पार्टी मिल करके बात किए हैं और बाद में फिर उन लोगों से हो गया कि केंद्र सरकार नहीं करेगी लेकिन राज्यों में अपना कर सकते, ये भी बात उस समय आ गया था। तो राज्य में जो करना है तो जितने हमारे दल हैं सभी दल के लोगों से बातचीत करके, असल बीच में इधर फिर काफ़ी व्यस्तता दूसरे तरफ से हो गई, फिर आगे हम लोग बातचीत कर लेंगे। सभी दलों के साथ बातचीत करके और कब से करना है उसके बारे में हो जाएगा। हम लोग तो अपने यहाँ उसके बारे में पूरा गवर्नमेंट में ही देख लिए हैं कि अगर कास्ट सेंसस हम लोगों को करना होगा तो उसके लिए किस तरह से करेंगे, लेकिन हम तो चाहेंगे कि सब पार्टी के लोग बैठ जाएं और बैठ करके सब लोग अपना बताएंगे कि इस तरह से ऐसे होना चाहिए, तो उसको मिला जुला करके देख करके अपना होना। कई राज्य तो कर ही रहा है ना, अपने अपने ढंग से कर रहा है, कुछ राज्यों में हो रहा है, लेकिन बिहार सरकार में जब होगा तो पूरे तौर पर होगा। मैंने वो अधूरा नहीं कि इतने लोगों का ही खाली जान ले, इसका नहीं, पूरे सब लोगों का होगा, लेकिन इसके लिए सब पार्टी की मीटिंग आपस में बैठ कर के चर्चा होगी, तो अभी हुआ नहीं है इसके लिए कि कैसे करना, वो आगे करेंगे हम लोग। सरकार अपने स्तर से तैयारी की हुई है, सरकार में इन सब चीज़ों के लिए कॉन्शसनेस है, पहले से ही हमने गाइड किया हो गया है, लेकिन सब लोगों की राय लेंगे तभी ना भाई, और कैसे किया जाए। देखिए, आप सब लोग जान ही रहे हैं कि दो बार हम लोगों के प्रयास से, राष्ट्रीय जनता दल के प्रयास से, आदरणीय हमारे नेता लालू जी के प्रयास से दो बार जातीय जनगणना का प्रस्ताव जो है बिहार विधानसभा और बिहार विधान परिषद से पास हुआ, और हम लोगों के प्रयास से हम लोगों ने प्रस्ताव बिहार विधानसभा में रखा और प्रधानमंत्री से भी मिल कर के आए। अब हमको और कोई चारा नज़र आ नहीं रहा जातीय जनगणना को लेकर के, केवल एक ही चारा नज़र आ रहा है कि अब सड़क पर उतरना पड़ेगा और बिहार से दिल्ली पैदल यात्रा जातीय जनगणना को लेकर के करनी पड़ेगी। नीतीश कुमार की बातों को आपने सुना है, तेजस्वी यादव ने क्या कहा आपने उनकी बातों को सुना है। अब देखना यह है कि आने वाले समय में जैसे ऐसे जो क्रम है वो बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे प्रक्रियाएं हैं वो शुरू होंगी, कब तक नीतीश कुमार सर्वदलीय बैठक बुलाएंगे ये भी देखना होगा, कि आज उन्होंने कह तो दिया है काफ़ी दिनों के बाद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सभी मिलने भी गए थे लेकिन उसके बाद जब केंद्र सरकार ने मना कर दिया, तो अब राज्य सरकार कब तक अपने खर्चे पर बिहार में जातीय जनगणना कराएगी? नहीं तो तेजस्वी यादव पटना से दिल्ली तक पैदल मार्च करेंगे, तमाम विपक्षी दलों के नेताओं का क्या सहयोग भी इसमें मिलेगा ये भी देखना होगा। कुछ लोग जो सत्ता में बरकरार हैं, JDU हो या हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा हो, ये तमाम दल भी चाहते हैं जातीय जनगणना हो, क्या उसमें ये साथ देंगे ये भी देखना होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।